नमस्कार दोस्तों, चलिए हम लोग देख लेते हैं आर्थिक नियोजन एवं बजट के बारे में। मध्य प्रदेश के परिप्रेक्ष्य में बात कर रहे हैं हम लोग, बात कर रहे हैं मध्य प्रदेश करंट अफेयर्स 2019। तो पिछले लेक्चर में हम लोग परिवहन से संबंधित लेक्चर देख चुके थे, इसमें आर्थिक नियोजन देखते हैं और बजट। ठीक, ये सभी लेक्चर आपको एक जगह मिल जाएंगे प्ले लिस्ट में, मध्य प्रदेश करंट अफेयर 2019 के नाम से एक प्ले लिस्ट बनी हुई है, उसी में सभी डले हुए। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। भारत का वित्तीय वर्ष अथवा बजटीय वर्ष 1 अप्रैल से 31 मार्च तक होता है। भारत के संविधान में अनुच्छेद 112 में केंद्रीय बजट बजट शब्द का उल्लेख नहीं है, याद रखना। वार्षिक वित्तीय विवरण शब्द दिया गया है, ठीक है, तथा अनुच्छेद 202 में राज्य के बजट का प्रावधान है, राज्य का वार्षिक वित्तीय विवरण से संबंधित प्रावधान है। ठीक है, तो केंद्र के लिए आपको 112 याद रखना है और बजट से के संबंध में, और राज्य के लिए 202। ठीक है, आगे शुरू करते हैं। वर्ष 2017-18 तक मध्य प्रदेश का वित्तीय बजट 1 अप्रैल से 31 मार्च तक होता था, परंतु शंकर आचार्य समिति, इस समिति याद रखिए, शंकर आचार्य समिति की अनुशंसा पर 2018-19 से राज्य सरकार ने वित्तीय वर्ष 1 जनवरी से 31 दिसंबर तक कर दिया। तो अब हम बात करते हैं वित्तीय वर्ष कितना है मध्य प्रदेश का, आपको रखना है 1 जनवरी से 31 दिसंबर तक। ठीक है, मध्य प्रदेश की आर्थिक स्थिति आर्थिक समीक्षा 2018-19 देख लेते हैं। ठीक है, सकल राज्य घरेलू उत्पाद आर्थिक एवं सांख्यिकी संचालनालय मध्य प्रदेश के द्वारा वित्तीय वर्ष राज्य घरेलू उत्पाद के अनुपात प्रस्तुत किए जाते हैं। चालू मूल्य पर वर्ष 2017-18 में मध्य प्रदेश का स्थिर भाव का सकल राज्य घरेलू उत्पाद 5,151 करोड़ रुपये था। वर्ष 2018-19 में यह 5,35,362 करोड़ रुपये अनुमानित है, जिसका क्षेत्रवार विवरण निम्न है। प्राथमिक क्षेत्र 37.17, द्वितीयक क्षेत्र 24.04, तृतीयक क्षेत्र 38.79%। ठीक है, प्रति व्यक्ति आय की बात कर लेते हैं। स्थिर मूल आधार वर्ष 2011-12 के आधार पर वर्ष 2017-18 में मध्य प्रदेश की प्रति व्यक्ति आय 55,670 रुपये थी, जो वर्ष 2018-19 में 5.44 बढ़कर 58.44% बढ़कर 5.44% बढ़कर 58,706 रुपये हो गई है। तो याद रखिए 17-18 में कितनी थी, 55,677, और 18-19 में कितनी हो गई, 58,706। चालू मूल्य पर राज्य की शुद्ध प्रति व्यक्ति आय वर्ष 2017-18 में कितनी थी, 82,941, जो वर्ष 2018-19 में कितनी हो गई, 9.71% बढ़कर 90,998 रुपये। ठीक है, ये वर्ष 2000 स्थिर मूल्यों के आधार पर है, 2018-19 में 58,706 और ये चालू मूल्य पर है। ठीक है, 90,998। अब बात करते हैं प्राथमिक घाटा। वित्तीय घाटे और ब्याज भुगतान के अंतर को प्राथमिक घाटा कहते हैं। प्राथमिक घाटा यह दर्शाता है कि ब्याज का भुगतान राज्य के लिए कितनी बड़ी समस्या है। वर्ष 2017-18 में राज्य का प्राथमिक घाटा -12,100
18.18 करोड़ रुपए था, जो वर्ष 2018-19 में 13,912.96 करोड़ अनुमानित है। बात करते हैं बचत एवं विनियोजन। मध्य प्रदेश में बैंकों की शाखाओं में लगातार वृद्धि हो रही है, जो वित्तीय समावेशन की दिशा में अत्यंत सहायक है। वर्ष 2016-17 में से वर्ष 2018-19 के मध्य कुल राशि में 9% तथा अग्रिम ऋण में 13.90% की वृद्धि दर्ज की गई। मार्च 2019 की स्थिति के अनुसार मध्य प्रदेश में साख जमा अनुपात 78.71% है, जो राष्ट्रीय मानक से अधिक है, क्योंकि राष्ट्रीय मानक 60% है। ठीक है, अब बात करते हैं न्यूनतम समर्थन मूल्य पर खाद्यान्न उपार्जन। प्रदेश में रबी और खरीफ दोनों मौसमों की फसलों का उपार्जन में लगातार वृद्धि हो रही है। वर्ष 2018-19 में 73.16 लाख मेट्रिक टन गेहूं की खरीद की गई है। बात करते हैं इसी में प्रधानमंत्री उज्ज्वला एवं सौभाग्य योजना। मध्य प्रदेश में इस योजना के तहत 72.38 लाख परिवारों को निःशुल्क गैस कनेक्शन देने का लक्ष्य रखा गया, जिसमें 63.30 लाख परिवारों को गैस कनेक्शन उपलब्ध कराया जा चुका है। 22 अक्टूबर 2018 को सौभाग्य योजना के अंतर्गत मध्य प्रदेश में 10% लक्ष्य की प्राप्ति हुई है। ठीक है, आगे बात करते हैं कृषि मूल स्त्रीकरण। 29 जून 2017 को 1000 करोड़ की राशि से एक मूल स्त्रीकरण कोष की स्थापना की गई, जिसका उद्देश्य बाजार में हस्तक्षेप करके किसानों को उनकी उपज का उचित मूल्य प्रदान करना। फिर जय किसान फसल ऋण माफी योजना। मध्य प्रदेश किसानों के बकाया अल्पकालीन फसल ऋण 2 लाख रुपए को 31 मार्च 2018 की स्थिति में प्रदाता बैंकों द्वारा NPA नॉन परफॉर्मिंग एसेट घोषित होने के बावजूद 12 दिसंबर 2018 तक पूर्णता या अथवा आंशिक रूप से भुगतान हो जाने के पश्चात भी इस योजना का लाभ प्रदान किया गया। ठीक है, अब है मध्य प्रदेश बजट वित्तीय वर्ष 2019-20। ठीक है, मध्य प्रदेश के वित्त मंत्री हैं तरुण भनोत। तो सबसे पहले आपको एक ही ए भी पॉइंट याद रखना है, मध्य प्रदेश के वित्त मंत्री कौन है तो आपको बता देना है तरुण भनोत। इन्होंने 10 जुलाई 2019 को वित्तीय वर्ष 2019-20 के लिए विधानसभा में बजट प्रस्तुत किया है। बजट 2019-20 के प्रमुख बिंदु देखते हैं तो किसने, तरुण भनोत ने। ठीक है, 10 जुलाई 2019 को मध्य प्रदेश राजकोषीय घाटा करोड़ रुपये में 2016-17, 2017-18, 2018-19। ठीक है, अनुमान है ये पुनरीक्षित है। राजस्व अधिक यह 3,769.42 करोड़ और 2017-18 में पुनरीक्षित अनुमान 5,575 करोड़ और बजट 2018-19 में बजट अनुमान कितना है 262.55 करोड़। राजकोषीय घाटा की बात करें वित्तीय वर्ष तो 16-17 में 27,663.57 करोड़ और 17-18 में पुनरीक्षित अनुमान तो 24,083.13 करोड़। 2018-2019 में बजट अनुमान तो 26,780.25 करोड़
प्राथमिक घाटा की बात करें तो 18,584.08 करोड़, और 2017-18 में पुनरीक्षित 12,118.18 करोड़, वो 2018-19 में बजट अनुमान में इसका 13,912.96 करोड़। राजकोषीय घाटे का प्रतिशत जीडीपी से, जीएसडीपी से, राज्य की बात कर रहा हूँ ना, राजकोषीय घाटे का प्रतिशत 4.32 2016-17 में, 2017-18 में 3.49% और 2018-19 में 3.24%। राजस्व अधिकृत प्रतिशत तो 0.59, 0.08, 0.03, ठीक है। ब्याज भुगतान का प्रतिशत राजस्व प्राप्ति से 7.36%, 8.86%, 8.25%। उदय योजना के अंतर्गत प्राप्त ऋण 7,361 करोड़ रुपए को शामिल किया गया है। बजट का आकार देखते हैं। बजट 2019-20 की कुल विनियोग राशि कितनी है? 233,605.89 करोड़ रुपये। तो ये आपको याद रखना है, कितनी है? 233,605.89 करोड़ रुपये। शुद्ध व्यय राशि कितनी है? 214,085.2 करोड़ रुपये। वर्ष 2019-20 में 179,375.75 करोड़ रुपये कुल प्राप्तियां हुई हैं। ऋणों के अतिरिक्त अनुमानित हैं। जो वर्ष 2018-19 की प्राप्तियों की तुलना में 23.69% अधिक है। बजट अनुमान के अनुसार वर्ष 2019-20 राजस्व 1,78,621 करोड़ रुपये है। 1,78,621.12 करोड़ रुपये है। वर्ष 2018-19 में 1,51,022.46 करोड़ रुपये था, जो वर्ष 2017-18 की तुलना में 18.27% अधिक था। अब बात करते हैं सकल घरेलू, सकल राज्य घरेलू उत्पाद। वर्ष 2018-19 में मध्य प्रदेश का सकल राज्य घरेलू उत्पाद था 8,26,106 करोड़ रुपये चालू मूल्य पर, और अनुमानित वर्ष 2017-18 की तुलना में 19.7% अधिक था। बात करते हैं बजट 2018-19 में राजस्व प्राप्तियां। वर्ष 2018-19 के लिए प्राप्तियां 1,86,669 करोड़ रुपये कुल राजस्व प्राप्तियों का अनुपात वर्ष 2017-18 में कितना था? संशोधित अनुमानों से 1.27% अधिक था। बजट 2018-19 में सकल व्यय, वित्तीय वर्ष 2018-19 में कुल 1,86,685 करोड़ रुपये का व्यय अनुमानित है, जिसमें 31,061 करोड़ रुपये पूंजीगत व्यय तथा 1,55,624 करोड़ रुपये राजस्व व्यय सम्मिलित थे। अब देख लेते हैं हम लोग राज्य सरकार की कुल प्राप्तियां करोड़ रुपये में, ठीक है। राजस्व प्राप्तियां तो हम लोग बात करते हैं 2015 की, तो बता दें आपको 1,05,510.59 करोड़ रुपये। 2016-17 में पुनरीक्षित अनुमान 1,23,306.79 करोड़ रुपये। बजट 2017-18 की अनुमान
1,35,72,29 करोड़ रुपये 2018-19 में रहा है, रहना है अनुमान है 1,55,886.47 करोड़। फिर शुद्ध लोक ऋण तो 15,124.94 करोड़ 2016-17 में 24,922 करोड़, 17-18 में 22,642.11 करोड़, 18-19 में 25,342.48 करोड़। उधारी वसूल 190.72 करोड़, 16-17 में 796.26 करोड़, 2017-18 में 5,139.37 करोड़ और 18-19 में 4,018.52 करोड़। शुद्ध लोक लेखा तो -251.10 करोड़ 2016-17 में 1,679.10 करोड़, 17-18 में 1,413.10 करोड़ और 18-19 में 1,451.20 करोड़। आकस्मिकता निधि से शुद्ध प्राप्तियाँ तो 1.08 करोड़ 000 रहा है 2016-17 में और 000 रहा है 0.00 17-18 में और 18-19 में 0.00। कुल प्राप्तियों की बात करें तो 1,20,575.15 करोड़ 1,50,704.15 करोड़ 2016-17 में 17-18 में 1,64,222.87 करोड़ और 18-19 में 1,86,698.67 करोड़। राजस्व प्राप्तियां 87.51 करोड़ 81.82 करोड़ 16-17 में 17-18 में 82.23 करोड़ और 18-19 में 83.50 करोड़। अब बात करते हैं राजस्व प्राप्तियां की संरचना करोड़ में। राज्य कर तो एक पुनरीक्षित अनुमान है, वृद्धि की प्रवृत्ति औसत में है और 2018-19 बजट अनुमान प्रतिशत में वृद्धि है, ठीक है। राजस्व है तो 17-18 में 46,337.58 करोड़ 8.43% वृद्धि की है और 2018-19 की बात करें तो 54,645.24 करोड़ जो 17.95% वृद्धि है। केंद्रीय करों में राजस्व राज्य का हिस्सा 50,853.5 करोड़ 23.94% वृद्धि है और 59,489.92 करोड़ जो 16.98% वृद्धि है। केंद्रीय अनुदान 28,361 करोड़ 25.66% की वृद्धि और 2018-19 में 30,807.53 की वृद्धि है प्रतिशत की। राजस्व तथा पूंजीगत व्यय करोड़ रुपए में तो ये 17-18 का पुनरीक्षित अनुमान है, वृद्धि की प्रवृत्ति है, 2018-19 में बजट अनुमान प्रतिशत। तो राजस्व 2017-18 में यह 1,34,496.80 करोड़ तो वृद्धि 17.84, 18-19 में 1,55,623.90 करोड़ वृद्धि प्रतिशत 15.71। पूंजीगत व्यय 28,154.77 29.21 की प्रतिशत हुई की वृद्धि 29,342.83 करोड़ 4.22% की वृद्धि। ऋण एवं अग्रिम तो 1,643.26 करोड़ 16.73 की वृद्धि हुई 1,718.49 करोड़ 4.58% की वृद्धि हुई।
ठीक। अब बात करते हैं हम लोग ग्रामीण विकास की। मध्य प्रदेश की 72.36% जनसंख्या ग्रामीण क्षेत्रों में निवास करती है, इसलिए प्रदेश के समग्र विकास के लिए ग्रामीण विकास पर विशेष ध्यान दिया गया है। ग्रामीण विकास से संबंधित महत्वपूर्ण आवश्यक एवं बजटीय प्रावधान निम्नलिखित है। प्रधानमंत्री आवास ग्रामीण के अंतर्गत अब तक प्रदेश में 378 नगरीय निकाय यह योजना स्वीकृत की है। मध्य प्रदेश इस योजना के क्रियान्वयन में प्रथम स्थान पर है। वित्तीय वर्ष 2019-20 में 10 लाख ग्रामीण आवास निर्मित किए जाने का लक्ष्य रखा गया है, जिसके लिए बजट 6,600 करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं। प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना के अंतर्गत 4,000 किलोमीटर नई सड़कों के निर्माण हेतु 2,500 करोड़ रुपये तथा पूर्व निर्मित सड़कों के पुनर्निर्माण एवं उन्नयन हेतु 514 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है। मुख्यमंत्री ग्राम सड़क योजना के अंतर्गत एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक की सहायता से सड़कों का पुनर्निर्माण किया जाएगा। आगे बात करते हैं मध्य प्रदेश में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना। मध्य प्रदेश में पीएमजीएसवाई के अंतर्गत 75,000 किलोमीटर सड़कों का निर्माण किया जा चुका है। वर्ष 2017-18 में 5,222 किलोमीटर सड़कों का निर्माण, 7,500 किलोमीटर सड़कों का पुनर्निर्माण, 500 किलोमीटर सड़कों का उन्नयन किया कार्य किया गया। स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण के अंतर्गत 81.55 लाख व्यक्ति परिवारों को शौचालय का लक्ष्य रखा गया था, जिसमें से 60.50 लाख शौचालयों का निर्माण किया जा चुका है। 2 अक्टूबर 2018 को मध्य प्रदेश खुले में शौच से ODF घोषित किया जा चुका है। याद रखिए 2 अक्टूबर 2018 को। प्रदेश की 84% ग्रामीण बसावटों में 55 लीटर व्यक्ति की औसत दर से पेयजल उपलब्ध कराया जा रहा है। वर्ष 2018-19 में 1,650 करोड़ बसावटों में मुख्यमंत्री ग्राम नल योजना प्रारंभ की गई। वर्ष 2019 में मध्य प्रदेश में राइट टू वाटर अधिनियम लागू किया गया। महात्मा गांधी ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना मनरेगा वर्ष 2018-19 में 15.35 लाख मानव दिवस रोजगार सृजन किया हुआ है। मध्य प्रदेश में 26 नवंबर से NFM इलेक्ट्रॉनिक फंड मैनेजमेंट सिस्टम व्यवस्था लागू की गई है। अब बात करते हैं शहरी विकास की। शहरी विकास प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी के अंतर्गत भारत सरकार द्वारा मध्य प्रदेश में 6,56,958 आवास स्वीकृत किए गए। वर्ष 2018-19 के अंतर्गत प्रदेश में 10 लाख आवासों की निर्माण प्रक्रिया प्रारंभ की गई, जिनमें से 1.45 आवास निर्मित किए जा चुके हैं। अटल मिशन अमृत योजना के लिए 6,459.78 करोड़ रुपये स्वीकृत किए गए। यह योजना मध्य प्रदेश के 34 शहरों एवं ओकारेश्वर पर्यटन स्थल में लागू की गई है। इस योजना के क्रियान्वयन में मध्य प्रदेश का तृतीय स्थान है। बात करते हैं स्मार्ट सिटी। कौन सा स्मार्ट सिटी योजना के लिए 300 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया। प्रदेश के 6 शहरों, सबसे पहले तो आपको याद रखना 300 करोड़, फिर रखना याद 6 शहरों कौन से इन 6 शहर, भोपाल, इंदौर, जबलपुर, ग्वालियर, सागर, सतना। सतना भी शामिल है स्मार्ट सिटी में, याद रखना। सागर भी है, ग्वालियर भी है, जबलपुर भी है, इंदौर भी है और भोपाल भी है।
ठीक है। 6 शहर सिटी योजना के अंतर्गत चयनित किए गए। वर्ष 2018 में भारत की समस्त स्मार्ट सिटी रैंकिंग में भोपाल को 5वां स्थान प्राप्त हुआ है। भारत सरकार के डिजिटल पेमेंट अवार्ड 2018 के 5वें चरण में जारी परिणाम में मध्य प्रदेश के 4 शहरों उज्जैन, ग्वालियर, इंदौर, उज्जैन, ग्वालियर, इंदौर, जबलपुर को प्राप्त स्थान प्राप्त हुआ है। स्वच्छ भारत मिशन शहरी के अंतर्गत राज्य में प्रभावी प्रगति की है। शहरी क्षेत्रों में 5 लाख से अधिक शौचालयों का निर्माण किया गया है। प्रदेश के सभी शहरों को खुले में शौच से मुक्त घोषित किया गया है। स्वच्छता सर्वेक्षण 2019 के अनुसार इंदौर को देश में 5वां, देश के समस्त राजधानियों में भोपाल को 2वां स्थान प्राप्त हुआ है। अपशिष्ट प्रबंधन वेस्ट मैनेजमेंट की स्थिति में को सुधारने के लिए मध्य प्रदेश के लिए 56 शहरों में सीवरेज सुविधाएँ स्वीकृत की गई हैं। सीवरेज परियोजनाओं के अंतर्गत नर्मदा नदी के किनारे स्थित 20 शहरों सम्मिलित किए हैं। निकायों में 26 संकुल क्लस्टर बनाकर सार्वजनिक निजी भागीदारी पर आधारित क्षेत्रीय अपशिष्ट प्रबंधन इकाइयों की स्थापना की जा रही है। ये इकाई है स्थापना वर्तमान स्थिति। कचरे से विद्युत निर्माण जबलपुर में इकाई संचालित है। कचरे से विद्युत निर्माण भोपाल, इंदौर, ग्वालियर, रीवा निर्माणाधीन है। कचरे से जैविक खाद कटनी में इकाई प्रारंभ हो चुकी है। कृषि एवं संबद्ध क्षेत्र मध्य प्रदेश कृषि उत्पादन में अग्रणी राज्य है, जिसमें 5 बार कृषि कर्मण पुरस्कार प्राप्त किया है। बजट 2018-19 में कृषि के विभिन्न पक्षों पर विशेष ध्यान दिया गया। कृषि बजट के लिए वित्तीय वर्ष के लिए वर्ष 2019-20 में 46,559 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया। इंदिरा किसान ज्योति योजना कृषि पंपों, थ्रेसरों तथा एक बत्ती कनेक्शन के अंतर्गत 7,117 करोड़ रुपए तथा कृषक समृद्धि योजना तथा भावांतर फ्लैट रेट योजना हेतु 2720 करोड़ का प्रावधान किया गया। कृषि यंत्रीकरण में 2000 कस्टम हायरिंग केंद्रों की स्थापना के साथ आगामी 5 वर्षों में 3 किलोवाट प्रति हेक्टर फार्म पावर उपयोग किए जाने का लक्ष्य। गेहूं तथा धान उत्पादक किसानों को प्रोत्साहन देने के लिए कृषक समग्र योजना समृद्धि योजना प्रारंभ की गई, जिसके अंतर्गत किसानों को प्रोत्साहन राशि प्रदान की जा रही है। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना वर्ष 2019-20 में 2201 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। इसमें शीघ्र नष्ट होने वाली फसलों उत्पादों के लिए खाद्य प्रसंस्करण इकाइयों को प्रोत्साहन देने हेतु नीति बनाई जारी की जाएगी। फिर सहकारिता क्षेत्र सहकारिता विभाग की योजना के लिए 2583 करोड़ का प्रावधान किया गया है। सहकारिता विभाग के अंतर्गत सहकारी बैंकों को अंश पूंजी हेतु 1000 करोड़ तथा सहकारी बैंकों के माध्यम से कृषकों को अल्पकालीन ऋण पर ब्याज अनुदान हेतु 700 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया। इसके अतिरिक्त मुख्यमंत्री ऋण समाधान योजना हेतु 309 करोड़ प्रदान किया गया। बात करते हैं पशुपालन। पशुपालन विभाग की योजना के लिए 1204 करोड़ रुपए, पशु चिकित्सालय हेतु 230 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया। गौ संवर्धन एवं पशु का संवर्धन हेतु 132 करोड़ रुपए का प्रावधान किया है। इसके अतिरिक्त मात्र 1 रुपया देने की जगह 20 रुपये प्रति दिन गौ वंश समर्थन दिए जाने का निर्णय किया गया है। मछुआ कल्याण तथा मत्स्य विभाग की योजना के लिए 104 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया। साथ ही मध्य प्रदेश में सॉर्टेड सेक्स्ड
सीमन प्रयोगशाला की स्थापना की जाएगी। बात करते हैं सिंचाई, सिंचाई एवं नर्मदा घाटी विकास परियोजना। सिंचाई परियोजना में पूंजीगत मद में 6,877 करोड़ तथा जल संसाधन विकास के अंतर्गत नहर एवं उससे संबंधित निर्माण कार्य हेतु 2,931 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। ठीक है, नर्मदा घाटी विकास के अंतर्गत 3,322 करोड़ तथा नर्मदा घाटी विकास विभाग के नर्मदा पार्वती लिंक परियोजना हेतु 450 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। नर्मदा छिप्रा लिंक बहुउद्देशीय परियोजना हेतु 350 करोड़ रुपए, कालीसिंध लिंक परियोजना हेतु 338 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। सरदार सरोवर के डुबान से प्रभावित क्षेत्र का भूरजन तथा अन्य कार्य हेतु 215 करोड़ एवं नर्मदा झाबुआ पेटलावाद थांदला सरदारपुर उद्वहन योजना हेतु 200 करोड़ प्रदान किए जाएंगे। आगे बात करते हैं वनिकी एवं पर्यावरण। मध्य प्रदेश देश का सर्वाधिक वनाच्छादित राज्य है। वनों के समुचित प्रबंधन हेतु 2,757 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। बांस उत्पादन को प्रोत्साहन करने हेतु 200 करोड़ रुपए घोषित किए गए हैं। मध्य प्रदेश प्रति कारात्मक वन रोपण निधि प्रबंधन हेतु 250 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। बात करते हैं शिक्षा, स्कूल शिक्षा विभाग के अंतर्गत 24,499 करोड़ का प्रावधान किया गया। इसके अतिरिक्त शासकीय शाला भवनों का निर्माण एवं विस्तार हेतु 250 करोड़ प्रदान किए गए। उच्च शिक्षा विभाग के अंतर्गत 2,342 करोड़ यानी कि 2,342 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया। कला विज्ञान वाणिज्य महाविद्यालय हेतु 1,247 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया। तकनीकी शिक्षा विभाग के अंतर्गत 1,666 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया। मध्य प्रदेश में तकनीकी शिक्षा कौशल विकास रोजगार विभाग के अंतर्गत व्यवसायिक प्रशिक्षण का सुदृढ़ीकरण एवं विस्तार हेतु 360 करोड़ रुपये का प्रदान किए गए हैं। तो रहे आगे युवा स्वाभिमान योजना हेतु 180 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है तथा उच्च शिक्षा के विस्तार के लिए वर्ष 2019-20 में नवीन एवं आदर्श नवीन महाविद्यालयों की स्थापना की जाएगी। विश्व बैंक परियोजना के अंतर्गत विश्वविद्यालयों में सेंटर ऑफ एक्सीलेंस की स्थापना की जाएगी। स्वास्थ्य हेल्थ, मध्य प्रदेश में 11,192 उप स्वास्थ्य केंद्र, 1,170 प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, 3,035 सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र, 73 सिविल चिकित्सालय हैं और 52 जिला चिकित्सालय स्थापित हैं। इसके साथ ही संजीवनी 108 नामक निःशुल्क आपातकाल एम्बुलेंस सेवा संचालित की जा रही है। बजट 2019-20 में लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग की योजनाओं हेतु 7,547 करोड़ रुपये एवं राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन हेतु 2,735 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया। इसके अतिरिक्त मुख्यमंत्री श्रमिक सेवा प्रसूति सहायता हेतु 517 करोड़ प्रदान किए गए। चिकित्सा शिक्षा विभाग अंतर्गत 2,309 करोड़ एवं चिकित्सा महाविद्यालय तथा संबद्ध चिकित्सा हेतु 1,091 करोड़ प्रदान किए गए। ऊर्जा की बात करें, तो ऊर्जा के क्षेत्र में के अंतर्गत 9,888 करोड़ एवं विद्युत टैरिफ अनुदान के हेतु
2,559 करोड़ का प्रावधान किया गया है। मध्य प्रदेश में गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले हितग्राहियों के लिए इंदिरा गृह ज्योति योजना प्रारंभ की गई है। इसके लिए 2,116 करोड़ रुपये प्रदान किए गए। मध्य प्रदेश विद्युत मंडल द्वारा 5 HP की कृषि पंपों तथा 1 बत्ती कनेक्शन को निःशुल्क विद्युत प्रदान हेतु प्रतिपूर्ति हेतु 1,068 करोड़ रुपये एवं सरल बिजली बिल योजना हेतु 300 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया। नवीन एवं नवकरणीय ऊर्जा विभाग के अंतर्गत 271 करोड़ रुपये तथा मुख्यमंत्री सोलर पंप योजना के हेतु 187 करोड़ रुपये प्रदान किए। सड़क निर्माण लोक निर्माण विभाग के लिए 9,220 करोड़ एवं लोक निर्माण विभाग के अंतर्गत न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम हेतु 1,400 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया। फिर है आगे मध्य प्रदेश सड़क विकास कार्यक्रम ADB वित्त पोषित है हेतु इसके हेतु 1,017 करोड़ एवं मध्य प्रदेश सड़क विकास निगम हेतु 600 करोड़ प्रदान किए गए। मध्य प्रदेश सड़क विकास निगम के माध्यम से सड़कों का निर्माण हेतु 300 करोड़ रुपये मुख्य जिला मार्गों तथा अन्य का नवीनीकरण उन्नतीकरण डामरीकरण हेतु 229 करोड़ का प्रावधान किया गया। अब बात करते हैं औद्योगिक नीति एवं निवेश के बारे में। औद्योगिक नीति एवं निवेश प्रोत्साहन विभाग के अंतर्गत 1,012 करोड़ एवं मैग्निफिसेंट MP इन्वेस्टमेंट अट्रैक्शन स्कीम हेतु 555 करोड़ का प्रावधान किया गया। औद्योगीकरण अधोसंरचना विकास के लिए 345 करोड़ तथा सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम विभाग के अंतर्गत 1,121 करोड़ रुपये प्रदान किए गए। आगे बात करते हैं पर्यटन एवं संस्कृति। मध्य प्रदेश में पर्यटन उद्योग का व्यापक विकास हुआ है। परिणाम स्वरूप मध्य प्रदेश को 10 राष्ट्रीय पर्यटन पुरस्कार तथा लगातार तीसरी बार सर्वश्रेष्ठ राज्य का पुरस्कार प्राप्त हुआ है। अब प्रदेश में एडवेंचर टूरिज्म के विकास का लक्ष्य रखा गया। संस्कृति विभाग की योजनाओं के लिए 226 करोड़ रुपये पर्यटन अधोसंरचना का विकास योजना के लिए 229 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है। मुख्यमंत्री कन्या अभिभावक योजना अप्रैल 2019 से इस योजना के अंतर्गत देश में दंपति जिसमें पति पत्नी में से किसी एक की आयु 60 वर्ष या उससे अधिक हो एवं जिनकी केवल जीवित कन्याएं हैं जीवित पुत्र नहीं तथा हितग्राही आयकर दाता ना हो तो उनको 600 रुपये प्रतिमाह पेंशन दी जाएगी। वर्ष 2018-19 में आवंटन 25 लाख रुपये के विरुद्ध माह फरवरी 2019 तक 2173.20 लाख रुपये व्यय कर 53.55 हज़ार हितग्राहियों को लाभान्वित किया गया। बजट 2019 में अन्य प्रावधान तो कानून व्यवस्था के लिए 7,634 करोड़ केंद्रीय पुलिस सेंटर एवं नियंत्रण कक्ष हेतु 122 करोड़ रुपये विधि एवं विधायी कार्य के लिए 2,210 करोड़ रुपये सामाजिक न्याय एवं निःशक्त कल्याण के लिए 2,891 करोड़ सामाजिक सुरक्षा एवं कल्याण हेतु 750 करोड़ विमुख वियुक्त घुमक्कड़ एवं अर्ध घुमक्कड़ जनजातियों के कल्याण हेतु 45 करोड़ रुपये पिछड़ा वर्ग एवं अल्पसंख्यक कल्याण हेतु 821 करोड़ रुपये अनुसूचित जाति कल्याण हेतु 1,696 करोड़ रुपये उद्यान की विभाग हेतु 1,116 करोड़ रुपये जल पेयजल अधिकार हेतु 1,000 करोड़ रुपये। ठीक है, आज बात करते हैं मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना।
इस योजना के अंतर्गत मध्य प्रदेश के मूल निवासियों को जीवन काल में एक बार विदेश के बाहर स्थित तीर्थ स्थानों श्री बद्रीनाथ, केदारनाथ, जगन्नाथपुरी, द्वारकापुरी, हरिद्वार, विष्णु देवी में से किसी एक स्थान की यात्रा करने के लिए शासकीय सहायता प्रदान की जाएगी। ठीक है, मध्य प्रदेश की प्रमुख कल्याणकारी योजनाएं देख लेते हैं। तो वन धन योजना 15 जुलाई 2019 को लागू हुई। दीनदयाल रसोई योजना 1 अप्रैल 2017 से। मध्य प्रदेश कौशल संवर्धन योजना वर्ष 2017 में। मुख्यमंत्री कौशल्या योजना 2017। हम छूलेंगे आसमां योजना 2018। मुख्यमंत्री सैनिक सेवा योजना 2018। जनश्री बीमा योजना 2008। जनश्री बीमा योजना 2008। सरल बिजली बिल योजना 2018। मुख्यमंत्री असंगठित मजदूर कल्याण योजना 2018 से लागू की। दोस्तों यहाँ करेक्ट कर लेना, स्मार्ट सिटी योजना के लिए 300 करोड़ रुपए प्रदान किए गए, लेकिन प्रदेश के 6 शहर नहीं है शामिल, इसमें 7 शहर हैं शामिल। मध्य प्रदेश में स्मार्ट सिटी के अंतर्गत 7 शहर मध्य प्रदेश के शामिल हैं, जिनमें भोपाल भी है, इंदौर भी है, जबलपुर है, ग्वालियर है, सागर है, उज्जैन है और सतना है। कितने? 7 स्मार्ट सिटी में शहर शामिल हैं मध्य प्रदेश के। भोपाल, इंदौर बताना है आपको, जबलपुर, ग्वालियर और सागर और सतना। ठीक है, याद रखना है, सतना भी है और उज्जैन भी है। ठीक है, चलिए, तो ये था हमारा आर्थिक नियोजन एवं बजट से संबंधित। अगले लेक्चर में हम लोग बात करेंगे शिक्षा एवं स्वास्थ्य से संबंधित मुख्य